Good morning dear student and welcome to the online classes. In today's video for 11th and 12th class physical education in subject I will teach a common unit yoga. In yoga I have taught you the elements of yoga. So you know there are 8 kinds of elements in yoga. First one is yam. पहला यम होता है, इसके बारे में बताएंगे. यम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योगा. थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ यम वन कैन अटेंड, मतलब यम की प्रैक्टिस से कोई भी प्राप्त कर सकता है. फ्रॉम डूइंग थिंग्स, उन चीज़ों को करने में दैट कीप माइंड्स इन्वॉल्व, जो माइंड को इन्वॉल्व रहती है इन द इन्वाइटल स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. वन कैन रिमेन अवे फ्रॉम वायलेंस, कोई भी हिंसा से दूर रह सकता है. यम कंसिस्ट 5 मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, ये 5 इसके मॉरल कोड कंडक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि. देर आर 5 व्यायाम. पहला होता है आपके 5 व्यायाम होते हैं. फर्स्ट वन अहिंसा, अहिंसा मीन्स और इमेज से थे नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस. व्हाट इज अहिंसा नॉन वायलेंस, देखिए इट मीन्स इसका अर्थ होता है कि वन मस्ट कीप अवे फ्रॉम काउजिंग हार टू एनी ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग. एंग्जाइटी, जोलिसिटी, हेट, एंगर एंड सच टाइप्स ऑफ निगेटिव इमोशन आर इंक्लूडेड इन वायलेंस, प्रकार के नकारात्मक विचार हिंसा में शामिल होते हैं. सो इसलिए वी मस्ट रिमेन अवे फ्रॉम दीज, इमोशन से दूर रहना चाहिए. वी मस्ट नॉट इंजर एनी वन, वी मस्ट नॉट स्पीक ऑफ अदर्स ill of others. We must not display any negative emotion, नहीं दिखाना चाहिए. There must be love, affection and regard for human being as well as for other creatures. Second, your elements, code of conduct is satya. Or in English, you may say truthfulness. Truthfulness. What is this? सत्य इज वेरी इंपॉर्टेंट है. हम सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण यम होता है. अकॉर्डिंग टू सत्य के अनुसार वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन थाट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, हमें सच रहना चाहिए. वी मस्ट नॉट टेल लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. वी मस्ट एब्स्टेन फ्रॉम फॉल्सनेस ऑफ एटिकेट, दूर रहना चाहिए. वी मस्ट नॉट स्पीक ऑफ अदर्स इन ए डिसग्रेसफुल मैनर एट एनी कॉस्ट. वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ. एंड थर्ड कोर्स ऑफ कंडक्ट इज एस ते आर, व्हाट इज दिस आई टेल यू. एस ते आर मीन्स नॉट स्टीलिंग, मतलब ना चोरी करना. द प्रोपेंसिटी टू यूज अदर्स ऑब्जेक्ट मनी एंड थॉट्स फॉर अवर ओन बेनिफिट इज स्टीलिंग, वो स्टीलिंग कहलाता है. वी मस्ट एब्स्टेन फ्रॉम, हमें अवश्य से दूर रहना चाहिए. इफ़ वी थिंक अबाउट स्टीलिंग समथिंग, अगर हम किसी चोरी के बारे में सोच रहे हैं तो इट इज ऑल्सो कंसीडरिंग स्टीलिंग. इफ़ वी डोंट यूज, अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं अवर सरप्लस मनी इन अदर पर्सन सफरिंग, इट मीन्स इसका अर्थ होता है दैट कि वी आर स्टीलिंग फ्रॉम गॉड, हम गॉड से स्टीलिंग कर रहे हैं. एंड योर फोर्थ कोड ऑफ कंडक्ट इज ब्रह्मचर्य, व्हाट इज दिस. नॉट टू टेक अ डाइट दैट स्टिमुलेट सेक्सुअल डिजायर, मतलब कि किसी भी ऐसी डाइट को ना ले जो स्टिमुलेट करे सेक्सुअल डिजायर. नॉट टू रीड पोर्नोग्राफिक और सेक्स रिलेटेड लिटरेचर. एंड नॉट टू इंडल्ज इन मास्टरबेशन और एनी सेक्सुअल रिलेशन इज कॉल्ड ब्रह्मचार कहलाता है. वी मस्ट कीप द एबव पॉइंट इन माइंड, हमें बस ऊपर वाले बिंदुओं को ध्यान रखने चाहिए. सो दैट इज से कि वी कैन फॉलो द पाथ ऑफ ब्रह्मचार. योर फिफ्थ कोड ऑफ कंडक्ट इज एपाग्रह, व्हाट इज दिस आई टेल यू. अपरग्रह मीन्स टू कलेक्ट मनी एंड प्रॉपर्टी, धन और संपत्ति इकट्ठा करना फॉर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके विपरीत, अपरग्रह
means to lead a life, ऐसा जीवन देखना with maximum requirement, it is an attitude of mind, यह एक attitude of mind को that does not consider anything to be on, we should not desire for physical pleasure, हमें physical pleasure की desire नहीं करना है, so we must follow a person, अपेरी ग्राहक को हमें बस ही follow करना चाहिए, dear student, today I have teach about M and the five code of conduct. You will revise by writing the full point in your copy. Okay. Now that's all for this video.